बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक नंबर को किस तरह बेस पावर में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन को ड्रा करेंगे, जिस तरह हमने एचसीएफ में किया था। और इसमें 275 को लिख देंगे। सबसे पहले 275 को 4 पर डिवाइड करेंगे। देखेंगे कि 4 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता तो हम इसे कम नंबर लेंगे। 4 6 24, तो यहाँ 24 को लिख देंगे ऊपर 6 को। इसके बाद 7 से 4 माइनस करो तो क्या आता है, 3 आता है, और 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 4 के टेबल में देखेंगे कि 35 आता है, नहीं आता तो इसे कम नंबर लेंगे। 4 8 32, तो यहाँ 32 को लिख देंगे ऊपर 8 को। इसके बाद 5 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे और 3 3 के साथ ख़त्म हो जाएगा। 68 को यहाँ लिख देंगे और रिमाइंडर में जो 3 रहता है उसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 68 को 4 पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता तो इसे कम नंबर लेंगे। 4 1 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे ऊपर 1 को। 6 से 4 माइनस करो तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद 4 के टेबल में देखेंगे कि 28 आता है ना, 4 7 28, तो यहाँ 28 को लिख देंगे ऊपर 7 को। 8 8 के साथ ख़त्म हो जाएगा और 2 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। 17 को यहाँ लिख देंगे और रिमाइंडर में कुछ नहीं आता, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 को लिख देंगे। इसके बाद 17 को 4 पर डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में देखेंगे 17 आता है, नहीं आता तो हम इसे कम नंबर लेंगे। 4 4 16, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 4 को लिख देंगे और रिमाइंडर में क्या रहता है, 1 रहता है, तो उसको यहाँ इसके साथ लिख देंगे। इसके बाद 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे। 4 1 4, तो यहाँ 1 लिख देंगे, रिमाइंडर में कुछ नहीं रहता तो यहाँ 0 लिख देंगे। इस 1 को यहाँ लिख देंगे, इस 0 को यहाँ लिख देंगे, इस 1 को यहाँ लिख देंगे, इस 0 को यहाँ लिख देंगे, इस 3 को यहाँ लिख देंगे और आखिर में इसके साथ बेस पावर लिख देंगे। किसी नंबर को बेस पावर में इस तरह कन्वर्ट किया जाता है।